शलोम शलोम प्रभु यीशु मसी नासरी के नाम में आज हम यहन्ना 20 का 31 पद को देखते हैं हालांकि हम पूरे अध्याय को समझेंगे पर 31 पद पूरी बात को स्पष्ट कर देता है जो प्रभु यीशु ने कहे मृत्यु पर जयवंत होने के बाद की घटना है ये और यहाँ वो सब बातें प्रभु ईशु ने चेलों को दे दिए उस वक्त जब चेले एक कमरे में बंद थे डरे हुए बंद थे हम देखते हैं उन्नीस से शुरू करते हैं हम उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे तब ईशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले क्रूरता रोमन साम्राज्य ये कितना भयानक था चेले डरे हुए थे और जब प्रभु यीशु आए वहाँ तो उन्होंने पहला शब्द बोला शांति मिले ध्यान दीजिएगा और फिर उन्हें दोबारा बोलना पड़ा शांति मिले क्यों हम आगे बढ़ते हैं और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए ये देख लीजिए यहाँ पर कि प्रभु को दिखाना पड़ा अपना हाथ और अपना पंजर जब चेलों को दिखाया पुरानी मानसिकता से हटिए कि सिर्फ थोमा ही ऐसा था नहीं तो इस बात को समझने के लिए कि हम सब अगर ये इच्छा रख रहे हैं देखने की पर प्रभु यीशु बोलते हैं इकतीस में जो मैं पढ़ता हूँ परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उनके नाम से जीवन पाओ जीवन पाओ जीवन पाओ जीवन क्या क्या है ये भी जानेंगे हम सिर्फ जीवन में जीवित चलना फिरना पर उसमें पाया जाने वाला आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा इस हिस्से को जो बहुत महत्वपूर्ण है और निर्बलता से भी भरपूर है कमजोरी से भी भरपूर है और सामर्थ्य और अधिकार से भी भरपूर है तब चेले आनंदित हुए जब दिखाया यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले क्यों कहना पड़ा उन्हें फिर शांति मिले क्योंकि इंसान आत्म आनंद में इतना आदम आनंद विभोर हो जाता है कि वो सुनता ही नहीं ये शांति मिले शलोम दो बार प्रभु यीशु को कहना पड़ा अपने आप को दिखाकर कहना पड़ा अपनी पहचान दिखाकर कहना पड़ा जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ यहाँ पर फाइनल डिसीजन कि तुम्हारा भेजा जाना निश्चित प्रभु ईशु में जो जीवन पाए हैं उनका भेजा जाना निश्चित और जब भेजे जाएंगे तो क्या क्या होगा यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं पाप क्षमा करने का अधिकार जब प्रभु ने पापन स्त्री के पाप क्षमा करे थे तो फरीसी सदुकियों का शास्त्रियों का क्या हाल था कि ये परमेश्वर की निंदा करता है सबसे बड़ा अधिकार चेलों को मिला जो चेले हैं यीशु के जो चेले हैं वो जो अधिकार 2000 साल पहले सप्ताह के पहले दिन की संध्या को दिया गया ये जीवित होने के बाद पहला सप्ताह था आप याद रखिए वो आज 2000 साल पहले जो उनके चेले हैं उनको भी ये हासिल है जो उनके पुत्र पुत्री हैं उनको भी हासिल है और सब हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकारा हमने इकतीस पढ़ा है ना कि जीवन पाए तो जीवन में क्या चीज वो अधिकार अच्छा इस अधिकार को समझने के लिए एक बात समझना जरूरी है जो अब्राहम से शुरू हुई यही बात अब्राहम से शुरू हुई वहीं से तो शुरू हुआ ना सारा कुछ और अब्राहम हम सबका पिता कहलाया जब वो अब्राहम था फर्क देखिए अब्राहम और अब्राहम जब उस अनुग्रह जुड़ा अनुग्रह प्रभु ईशु हैं और जब अब्राहम हुआ जब उसे निकाला गया वहाँ से अब्राहम वहाँ से निकला अब्राहम इबरी था और प्रतिज्ञा के देश का वादा वंश का वादा आशीष का वादा जो उस समय दिग भी नहीं रहा होगा वो पूरा हुआ निष्कासित क्या चीज़ निष्कासित हो रही है कौन सी चीज खत्म हो रही है याराज शब्द आया है यहाँ पर बाइबल में याराश शब्द इस्तेमाल हुआ है निलंबित कर देना उसी समय निश्चित हुआ निलंबन जैसे निलंबन हुआ लूसीफर का निष्कासित हुआ ये अधिकार में आते हैं उन तमाम चीज़ों को जब प्रभु यीशु घोषणा करते हैं कि तुम इस सैतूत के पेड़ से कहोगे कि जड़ समेत उखड़ कर समुद्र में जा लग तो ये घोषणा हुई निष्कासन हुआ, हुआ पहले से परमेश्वर की योजना अब्राहम से जो शुरू हुई तो आप वो बुराइयों की जड़ को निष्कासित कर सकते हैं हर वो बात का अधिकार निलंबित कर सकते हैं अलग कर सकते हैं हमने मुक्त के बारे में सहरर और पदा जैसे शब्दों को जाना है ये बाइबल में इसलिए इस्तेमाल हुए ये नाम कि हम इसे पहचाने जाने ईशु के नाम को जैसे यहाँ अनुग्रह है तो तमाम वो अलफ़ से लेकर ताव तक पाए हुए पाए जाने वाले बाईस अक्षरों का मालिक है वो 22 लेटर अपने आप में जीवन रखते हैं क्योंकि परमेश्वर जीवन रखता है यीशु जीवन रखता है पवित्र आत्मा जीवन रखते हैं जो अधिकार मिला कि पाप क्षमा करो प्रभु यीशु ने फूके पवित्र आत्मा ले लो तो क्या था और उसमें हम आगे जाएंगे मती में देखते हैं तो पवित्र शास्त्र को समझने की उनकी समझ खुली इसके बाद काम हुआ ये बहुत सुंदर वो विषय है मसीहों के लिए कि वो पाप क्षमा करने का अधिकार रखते हैं वो जीवन रखते हैं और जीवन रखते हैं मतलब स्वर्गीय तमाम आशीषों के मालिक हैं हाँ उसका प्रदर्शन आप सांसारिकता में शरीर के द्वारा अगर इस शिक्षा से कोई कर रहा है तो निश्चित वो तो परमेश्वर विरोधी हुआ वो वही हुआ जो लोसीफर कर रहा है पर जीवन देने का अधिकार पाप से मुक्त हो करने का अधिकार हर वो बात जो मसीह विरोधी की है आज के समय में कितनी बातें हैं आप एक बात और जान लीजिए जो अम, जकरिया चौदह बारह में पढ़ देता हूँ जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया उन सबों को यह ऐसी मार मारेगा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएंगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी यह तमाम जितनी बातें कही गई हैं ऐसी जो मसीह विरोधियों के द्वारा शैतान के द्वारा और उसके तमाम माने वालों के द्वारा ये जो किया गया है ये वो समय है यहाँ ये वचन की सच्चाई अगर आप जानेंगे तो आश्चर्यचकित होंगे मैं लिए चलता हूँ आपको चौदहवीं सदी में चौदवी सदी में चौदहवीं सदी में ब्लैक डेथ काला ज्वर बुबोनिक प्लेग कहा गया जिसे और भयानक तबाही हुई पूरे संसार का एक बड़ा आबादी का हिस्सा नाश हुआ और आज शुरुआत हो चुकी है एक ऐसा संक्रमण जो अमीबा के द्वारा मस्तिष्क को खाता है कितनी अद्भुत बात है अगर हम रिसर्च के अनुसार देखें तो अभी विश्व में 400 ऐसे पेशेंट हुए जो मौत तो निश्चित है और इसमें होता क्या है कि वो जब खाता है तो हर चीज गलने लगती है अमीबा और ये पानी से पैदा हो रहा है लोग पानी की चिंता क्यों कर रहे हैं कि शुद्ध पानी पीना चाहिए अगर अब इसको आत्मिक रीति से आप देखते हैं निश्चित ये बहुत निकट समय में लोग इससे प्रभावित होंगे हो सकता है ये गोग मगो के पहले हो या बाद हो क्योंकि बायोकेमिकल जो वेपन है उसका एक बार इस्तेमाल सीरिया में हो चुका जिसमें आंखें, आंखें जो थीं गल गई गोलकों के अंदर ही और ये जो भविष्यवाणी है जकरिया की कि जीप तक सड़ जाना है ये उन लोगों के साथ होना है जो मसीह विरोधी हैं प्रभु यीशु को मानने वालों के लिए ये तमाम प्रकार के संक्रमण और ये सारी चीज़ें जो इस्तेमाल होंगी देखिए सैतान के द्वारा भी इस्तेमाल होंगी वही चीज़ें जो परमेश्वर इस्तेमाल करेगा ये वचन में परमेश्वर इस्तेमाल करेगा इन चीज़ों का सैतान भी ऐसा ही करेगा कि परमेश्वर के जन वो बायोकोमिकल जो वेपन है उनसे नाश मनुष्य की बुद्धि का विकास बाइबिल कहती है कि इतना बढ़ जाएगा आज घबरा रहे हैं ना कितना घबरा रहे हैं ओपन ए आई से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैं थोड़ा सा ये विषय को इसमें इसलिए जोड़ देना चाहता हूं कि वो भ्रमित करने वाला नाश करने वाला अभी कई घटनाएं घट चुकी हैं कि उस रोबोट ने अपने ही प्रोग्रामर को मार दिया ये बिल्कुल नज़दीक की बातें मैं कर रहा हूँ एआई को आगे बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाने वाला यूनास एड्रलस यूनास एड्रलस जो है सीईओ है अलेफ अल्फा का इस कंपनी का ये सब चिंतित हो चुके हैं और ये नहीं चाहते कि ये एकाधिकार करे कोई इस एआई पर और अपनी मनमानी करे जैसे हम हर क्षेत्र में मनमानी देखते हैं राजनैतिक क्षेत्र से आपको कोई लाभ नहीं वहाँ मनमानी मनमानी और मनमानी होगी चाहे वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की पॉलिटिक्स का अगर आप आकलन करेंगे तो वहां गंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलना है क्योंकि ये सब जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा से हट गए हैं परमेश्वर इनको रखा है कि ये आखिरी समय में अप एक दूसरे को नोचेंगे मारेंगे और एक दूसरे से डरे रहेंगे और शैतान की मानते रहेंगे पर मसीहों के लिए ये नहीं है यहां अधिकार मिला है कोई भी एआई का ऐसा कोई भी हिस्सा मसीह जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता अगर यौन्ना बीस इक्तीस के अनुसार उसका जीवन है हम सब जो उसकी संतान हैं कितना भयानक आमिबा है वो जो इस रीति से नाश करेगा लोग इसके लिए तैयारी करेंगे बचने की तैयारी करेंगे कि कैसा क्या होगा एक तो बहुत समय बाद पता चला ये अगर इन चीजों का आप निकाल के देखेंगे तो बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी एक नाम और भी बताना चाहता हूं मैं आपको थॉमस गोल्फ ये भी एआई से रिलेटेड है ये सह संस्थापक है हैंगिंग फेस का ये चिंतित हैं और ऐसी कोई चीज़ ईजाद करना चाहते हैं कि जो नुकसान बहुत भयानक होने वाला है और उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो मनुष्य की अपनी सोचने समझने की क्षमताएं नाश हो जाएंगी उसको लगेगा नहीं किसी बात को जाना है जानना है चैट जीपी भी और ओपन एआई आई और इसमें जैमिनी और दुनिया भर के पता नहीं आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी पर स्थिरता यहन्ना बीस के अनुसार जो बातें प्रभु ईशु ने अपनी शांति में देके गई हैं प्रभु यीशु ने कहा आनंदित इस बात पर ना मत हो कि तुम्हें दुष्ट आत्माओं पर अधिकार मिला है आनंदित इस बात पर होइए कि आपके नाम स्वर्गीय स्थानों में स्वर्गीय पुस्तक में लिखे हुए हैं और उसके लिए क्या करना है और वो विश्वास जो सच्चाई के साथ 2000 साल पहले से दिख रहे हैं उसके बाद भी अगर हम किसी कमजोरी निर्बलता इसके पहले आपने देखे होंगे वो अब्राहम की बेटी जो यहूदी है और उसके छुटकारे के लिए यीशु ने कहे कि जो अठारह वर्ष से बंधन में हैं उसका मैंने ये बहुत खूबसूरत है और अब्राहम के कारण और वो भी याकूब की उस आशीष 49 नाइन उत्पत्ति में जो दी है हम मनस्य और अफ्राइम के कारण जो यहूदियों में अर्थात इज़राइली में साटे गए और हमारा उद्धार हुआ तो वो हम हैं और हमें वो ताकत मिली है वही शांति की ताकत तमाम कुबड़ापन डर जो दिखाता है झुका हुआ स्वभाव को ख़त्म करने की सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अब्राहम से शुरू करा शराश ये तमाम चीज़ों का निष्कासन क्यों क्यों हम आश्रित हों क्यों लालसा के ग़ुलाम बनकर दुष्ट के हथियार बने ये सब इतने छोटे में ये बहुत महत्वपूर्ण हर शब्द इसका इसे डिटेल करूं तो बहुत समय का हो जाएगा पर प्रत्येक शब्द और प्रत्येक बात इतनी महत्वपूर्ण है जिस पर ध्यान देकर विश्वासियों को मजबूत होना और हर चीज़ों का अपने जीवन से उन चीज़ों को अलग करना मुक्त होना स्वतंत्र होना और ये सच्चाई का मार्ग जो आप वचन के अनुसार जान रहे हैं क्योंकि बाइबिल नहीं बदल सकती जो बाइबिल से जुड़े हुए हैं वचन से जुड़े हुए हैं निश्चित दुष्टता किसी भी रीति से प्रभावित नहीं कर सकती मैं भी तो एआई से बहुत सारे क्वेश्चन करता हूं और लाइन पे लगा देता क्योंकि जो एआई का जवाब होता है वो भौतिक स्तर पर होता है और जब आत्मिक स्तर के जवाब क्रॉस क्वेश्चनिंग करके तो अगर हम इस तरह से कर रहे हैं और उसकी नहीं मान रहे क्योंकि हम जान रहे हैं कि आत्मिक स्तर का जवाब क्या है और ये क्या दे रहा है तो उसके डाटा में फीड हो जाना चाहिए और ऐसा हम सब कर सकते हैं पवित्र आत्मा मुझसे करा रहा है जो मैं कोई जानकार नहीं हूं ये टेक्नोलॉजी का पर ये जानता हूं कि वो जो बदलाव उसके डाटा में जा रहा है वो पता नहीं कितने लोगों के लिए लाभ का कारण बनेगा आज प्राय प्राय सब कोई ए इस्तेमाल कर रहे हैं मैंने भेजे की बात करी वो भेजा खाने वाला अमीबा इनका भेजा खा जाना है खा जाना है मतलब ये वाला खाना है परेशान करने वाला नहीं वो पूरे पूरे गलने लगेंगे जो दुष्ट के हाथ की कठपुतली हैं उनके साथ ये हाल होना है हमें जीवन का जल मिला है किसी भी संक्रमण और किसी भी चीज़ों से वो युक्ति करने वाला परमेश्वर ईरे हमारे लिए उपाय करेगा हमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है पर यह जाने कि परमेश्वर ने शुरू से जो योजना हमें बचाने के लिए रखी वो कितनी खूबसूरत है और सच है और हर जगह हम परमेश्वर जो धर्मी और न्याय है न्यायी है उसके नाम को कैसा ऊंचा उठाते हैं वो तभी हम कर सकेंगे कि सचमुच में उसकी धार्मिकता में अगर हम हैं उद्धार का टोप धार्मिकता की झिलम वचन की ढाल और तलवार और सच्चाई की ये सच्ची चीज़ें से हम मजबूती से कसी हुई कमर और प्रेम के सुसमाचार के जीवन देने के अगर हम पथ पर हैं वो जूते पहने हैं तो उन सब के लिए आनंद का सुसमाचार सुनाने वाले बन सकते हैं ये बातें कहीं कठिन नहीं हैं ये लुभावनी नहीं हैं पर ये जानिए की दुष्टता जिस रीति से अंधकार काम कर रहा है उससे कहीं भयानक अगर हम दृष्टि रखते हैं क्योंकि वो दृष्टि भी हमें मिली है जैसे सात आत्माएं मिली हैं तो वो सात दृष्टि भी मिली हैं वो सात दृष्टि से जब देखना शुरू करेंगे वो सात आत्माओं के अनुसार चलना शुरू करेंगे तो यही बात जो मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में ये ये घोषणा है कि आप उस सात आँखों के रहस्य भी जानेंगे जैसे सात आत्माओं के कार्य ये अंतिम समय में ये चीज़ें जो अनुग्रह पाए हुए हैं जो ईशु की के द्वारा उद्धार पाए हुए परमेश्वर की संतान हैं उनको किसी भी रीति से शैतानियत संसार क्योंकि परमेश्वर यीशु ने कहा मैंने संसार को जीत लिया है दुष्ट हारा हुआ है वही लोग दुष्टता के द्वारा हारेंगे जो संसार की लालसा और अभिलाषा करते हैं इसमें बहुत सी बातें हैं परमेश्वर के साथ धोखा विश्वास घाती बनना कहां तक उचित है और जो लोग इन बातों को सह मानेंगे इसको जानेंगे उनके जीवन में पवित्र आत्मा के काम खुद महसूस करेंगे आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है अगर आप मानते हैं कि यीशु ने आपको अधिकार दिया है तो अधिकार काम के द्वारा प्रकट होते हैं मजदूर अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते वो मजदूर है संतान वारिस है और अधिकारी है और वो समय अब आता है इन चीज़ों को जानिए और वो दृष्टि रखिए कि ये सारी चीज़ें कि ये रहस्य हाँ पवित्र आत्मा के द्वारा जब इन बातों के और भी सामने आएंगे तो मैं वो सात आँख आँखों का जैसे सात आत्माओं के काम चंगाई ईश्व के नाम में ठीक है ये जितने चमत्कार और मरिकल हैं मैंने उसमें बोला है अब्राहम की बेटी में कि उसमें चमत्कार मुख्य था जो परमेश्वर यीशु गो, घोषणा कर रहे थे उस 18 साल की स्त्री का वो नारी का जो कुबड़ी थी तो क्या हो रहा था और वो जो 18 18 तो वहाँ पर हमें पूरा का पूरा साइन मिल रहा है कि 1800 साल बाद स्थापित हुए थे इसराइली तो इस तरह से आप जान सकते हैं वो दृष्टि जो परमेश्वर ने दी है उसकी दृष्टि से हम अपनी नज़र जबकि कहा गया है आ, वचन कहता है कि तेरी आँख तेरे शरीर का दिया है कहने का मतलब रोशन करता है तो ये आ, हम क्या क्या चीज़ें अपने जीवन में पवित्र आत्मा के मंदिर में परमेश्वर के भवन में रोशन करना चाहते हैं यीशु के नाम में तो ये चीज़ें जानना समझना और मांगना तो उसकी योग्य संतान होने के लिए कहीं कठिन नहीं है और जिस लिए आप रखे गए हैं परमेश्वर ने वचन में पूरी सच्चाई प्रकट की है और ये खूबसूरती हम यीस इक्तीस में देखते हैं तो ये चीज़ें सब विस्थापित होनी है निलंबन हो चुका है अलग किए जा चुके हैं ये पहले से है तो इन बातों को और मजबूत रखने के लिए अपने मन प्राण आत्मा बुद्धि की जो सारी शक्ति है अगर हम प्रेम रखते हैं उससे तो इन चीज़ों को अपने जीवन में लेंगे कि जीवन क्या है और वो अलौकिक अद्भुत जीवन का स्वाद नमकीन जीवन का स्वाद आत्मा में फिर इस संसार की चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे ये संसार की जो दुनिया भर के दिख रहे हैं लोग डर रहे हैं इससे दूर हो जाएंगे अगर थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और देख लें हम क्योंकि उस पहलू को भी मैं आपके सामने रख देता हूँ प्रभु यीशु कहते हैं तू अभी मत छू ये बीसी अध्याय की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी परमेश्वर के पिता के पास नहीं गया हूँ मतलब उस समय तक जब मरियम मिली तब तक तो सोचिए कितने कम समय में प्रभु यीशु वहाँ से गए और वापस जो वो कोटरी में बंद थे वहाँ आकर मिले तो सच्चाई ये है कि पिता के पास जाना का जो ठहराया गया प्रभु यीशु ने कहे तू मुझे अभी मत छू मैं पिता के पास नहीं गया हूँ कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है इसे कैसे जाने और समझें ऐसी खूबसूरत बातें बाइबल में हैं जो हम लगातार धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये बातें आपको मिलेंगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो बहुत सी बातें भी पर आज की जो बातें कि हम तैयार हो जाएं और उस अधिकार का सबसे बड़ा मृत्यु को हराने का अधिकार दूसरों के जीवन में जीवन लाने का अधिकार उसकी शांति में निहित है